हेलो गाइस, मैं समीक्षा अग्रवाल। वेलकम यू टू कोड फ्रीक्स, अ चैनल मेड फॉर यू, मेड बाय यू। सो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडे जीएफजी प्रॉब्लम। आज की जीएफजी के प्रॉब्लम का नाम है चेक इफ इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट वन स्ट्रिंग इनटू अनदर विद गिवन कॉन्स्ट्रेंट्स। इजी लेवल की प्रॉब्लम है और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन में ना अपने को दो स्ट्रिंग्स गिवन है, एक तो एस और एक टी। अब अपने को करना क्या है, अपने को एस के अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसको टी के इक्वल कर देना है। अगर अपन ऐसा कर पाए कि एस के अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके अगर वो टी के बराबर हो गया, तो अब तो अपन आउटपुट में वन रिटर्न कर देंगे, नहीं तो अपन जीरो रिटर्न कर देंगे। अब सबसे पहले अपन वो देख लेते हैं कि अपन एस के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो ये है कि अपना जो एस और टी होगा ना, उसके अंदर हमेशा सिर्फ तीन ही कैरेक्टर्स अवेलेबल होंगे। एक तो होगा हैश, एक होगा ए और एक होगा बी। तो जो एथ कैरेक्टर है ना, अपन उसको हमेशा सिर्फ लेफ्ट में मूव करवा सकते हैं, बी को हमेशा अपन सिर्फ राइट में मूव करवा सकते हैं, और एक कंडीशन ये है कि अपने को ए और बी को क्रॉस नहीं करवाना है। ठीक है, इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करते हुए अगर अपन एस को टी के बराबर कर पाए तो अपन रिटर्न वन कर देंगे, नहीं तो अपन रिटर्न जीरो कर देंगे। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इस वाले एग्जांपल से समझें, तो इसके अंदर अपने को एस ये दे रखा है, टी ये दे रखा है। अपने को करना क्या है, अपने को एस वाली स्ट्रिंग को टी के बराबर करना है, और तीन कंडीशंस क्या है, एक तो ये है कि ए को हमेशा लेफ्ट में मूव करवाना है, बी को हमेशा राइट में मूव करवाना है, बी को हमेशा राइट में मूव करवाना है, और ए और बी को क्रॉस नहीं करवाना है। ठीक है, ये तीन कंडीशंस का ध्यान रखते हुए अपने को एस के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसको टी के बराबर करना है। तो सबसे पहले अपन देखें तो टी का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो ए है और एस का सेकंड कैरेक्टर ए है, तो अपन क्या करेंगे, ए को लेफ्ट में मूव करवा देंगे। सिमिलरली अगर अपन देखें तो टी का लास्ट कैरेक्टर बी है और एस का सेकेंड लास्ट कैरेक्टर भी है, तो अपन क्या करेंगे, बी को राइट में शिफ्ट करवा देंगे। अब इन दोनों ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हुए अपन देखते हैं कि एस क्या हो जाएगी अपनी नई वाली, तो ए फिर दो हैशेस, फिर बी वापस दो हैशेस, और फिर वापस बी। ठीक है, अब अपन देखें तो अपने ये जो नया एस बना है इसके अंदर बी के बीच में दो हैशेज आ रहे हैं और इधर बी के बीच में सिर्फ एक ही हैश है, तो अपन क्या करेंगे, अपन इस वाले बी को वापस राइट में मूव करवा लेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, इधर तीन हैशेज हो जाएंगे, ये वाली स्ट्रिंग ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, इधर एक हैश आ जाएगा और इधर बी आ जाएगा। ठीक है, और ये टी के बराबर हो गया है। अपना इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करते हुए अपन ने एस को टी के बराबर कर दिया है, तो अपना आउटपुट में क्या रिटर्न होगा, वन रिटर्न होगा। एक बार अपन आंसर देख लेते हैं, आंसर भी इधर आउटपुट में वन आ रहा है, तो मतलब अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं। अगर अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं तो अब अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तो अपन को ऑर्डर हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि ए और बी का इधर ऑर्डर क्या आ रहा है। तो एस के अंदर इधर ए और बी का ऑर्डर क्या है, इधर सबसे पहले ए आ रहा है, फिर दो बीज आ रहे हैं, फिर दो बीज हैं। टी का भी सेम ऑर्डर होना चाहिए, टी का ऑर्डर क्या है, ए फिर दो बीज। ठीक है, इन दोनों का ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो क्या होगा कि अपने को ए और बी को क्रॉस करवाना पड़ेगा एस को टी के बराबर करने के लिए, जो इस कंडीशन को वॉयलेट करेगा। ठीक है, और अपने को इस कंडीशन को वॉयलेट नहीं करना, तो अगर ए एस और टी का ऑर्डर सेम नहीं आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, अपन रिटर्न जीरो कर देंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि अपने को सिर्फ ऑर्डर ध्यान में रखना है। अगर अपन सिर्फ ऑर्डर ध्यान में रखेंगे ना, तो अपन इन दोनों कंडीशंस को इनवैलिड कर देंगे, इन दोनों कंडीशंस को। जैसे अगर मैं ये वाला कंडीशन, ये वाला क्वेश्चन लूँ कि एस जो है वो स्ट्रिंग है ए और फिर हैश, और जो बी स्ट्रिंग है मतलब टी स्ट्रिंग है वो है हैश और फिर ए। ठीक है, अब अपन को एस स्ट्रिंग में चेंजेस करना है, तो एस के अंदर अपन सिर्फ ए को लेफ्ट में मूव करवा सकते हैं। ठीक है, अब ए को लेफ्ट में मूव करवा के क्या अपन उसको टी के बराबर कर पाएंगे, क्या कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर अपने को एस को टी के बराबर करना है तो अपने को ए को लेफ्ट, ए को राइट में मूव करवाना पड़ेगा, और अगर अपन ने ए को राइट में मूव करवाया तो ये वाली कंडीशन इनवैलिड हो जाएगी। इसलिए हमेशा अपना आंसर इधर क्या आएगा, इधर अपना हमेशा आंसर जीरो आएगा।
ठीक है, मतलब अपने को हमेशा ऑर्डर के साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि अपन ए को हमेशा लेफ्ट में मूव करवा के क्या टी के बराबर कर सकते हैं क्या, मतलब एस वाली स्ट्रिंग को टी के बराबर कर सकते हैं क्या। और सिमिलरली एक और केस ये है कि जब अपना एस वाली स्ट्रिंग ये हो हैश और फिर बी, और टी स्ट्रिंग ये हो बी और फिर हैश, तो अपन इसके अंदर भी कभी भी बी को राइट में मूव करवा के, मतलब बी को इस वाली डायरेक्शन में मूव करवा के कभी भी एस स्ट्रिंग को टी के बराबर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर अपने को एस वाली स्ट्रिंग को टी के बराबर करना है तो अपने को क्या बी को लेफ्ट में मूव करवाना पड़ेगा, और अगर अपन बी को लेफ्ट में मूव करवाएंगे तो ये वाली कंडीशन इनवैलिड हो जाएगी, तो इसका आंसर भी हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, तो अपने को ऑर्डर के साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर तो सेम ही है, एस का और टी का ऑर्डर इस वाली कंडीशन में भी बी था और ऊपर वाली कंडीशन में भी सिर्फ ए ही था, मतलब दोनों का ऑर्डर तो सेम था लेकिन फिर भी आउटपुट 0 ही आएगा। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशंस को अपन को ध्यान में रखना है, तो इन तीनों कंडीशंस को ध्यान में रख के अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे एक बार अपन ये देख लेते हैं। ठीक है, तो अपन दोनों को साथ में इटरेट करवाएंगे, दोनों स्ट्रिंग्स को इसको आई की मदद से इटरेट करवाएंगे और इसको जे की मदद से इटरेट करवाएंगे। ठीक है, फिर जब भी हैश एनकाउंटर होगा ना अपन को कहीं पे भी आई लोकेशन पे या फिर जे लोकेशन पे, तो अपन आई प्लस प्लस या फिर जे प्लस प्लस कर देंगे, तो इधर अपने को आई लोकेशन पे हैश हो रहा है एनकाउंटर, तो अपन क्या करेंगे आई प्लस प्लस करके इसको ए पे शिफ्ट कर देंगे, तो अपना आई यहाँ पे है और जे यहाँ पे है, अब दोनों पे कैरेक्टर्स है अपना कहीं पे भी हैश नहीं है, तो अपन देखेंगे कि क्या आईथ कैरेक्टर जो है वो जेथ कैरेक्टर के बराबर है क्या। अगर आई आईथ कैरेक्टर और जेथ कैरेक्टर बराबर है मतलब अपना ऑर्डर सेम है। ठीक है, और अपना फर्स्ट कंडीशन यही था कि अपने को ऑर्डर सेम रखना है, अगर अपना ऑर्डर ही डिफरेंट हो गया मतलब इधर कहीं पे ये आईथ कैरेक्टर जो है वो तो बी है और जो ये वाला कैरेक्टर है वो ए है, तो इस वाली कंडीशन पे अपना आई और जे जो है वो इक्वल नहीं होगा, और अपने को क्या बी को यहाँ पे राइट शिफ्ट करके और फिर वापस राइट शिफ्ट करके ए से क्रॉस करवाना पड़ेगा, मतलब बी को ए से क्रॉस करवाना पड़ेगा, और अगर अपन बी को ए से क्रॉस करवाएंगे तो ये वाली कंडीशन अपनी इनवैलिड हो जाएगी। तो अपने को सबसे पहले तो ये देखना है कि अपना ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो अगर अपना ऑर्डर सेम है मतलब आई इक्वल इक्वल्स टू जे है, ठीक है, फिर अपन क्या चेक करेंगे कि अगर अपना कैरेक्टर ए है, अगर अपना कैरेक्टर ए है तो उस केस में हमेशा आई जो है वो बड़ा होना चाहिए जे से, आई जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए जे से। अगर आई छोटा हुआ जैसे जैसे अगर अपन ये वाला एग्जांपल लें कि एस स्ट्रिंग तो है अपनी है ए और फिर हैश, और टी स्ट्रिंग है अपनी हैश, सॉरी गाइस, हैश और फिर ए, तो इसमें आई इधर होगा, आई अपनी स्टार्टिंग लोकेशन पे होगा और जे इधर होगा। ठीक है, दोनों में ए आ रहे हैं मतलब अपना ऑर्डर सेम है। ठीक है, बट इधर आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू अपनी क्या है 0, और जे की वैल्यू क्या है इधर 1 है, मतलब आई अपना छोटा है जैसे ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं करता है, तो अपन आई को ए को कभी भी लेफ्ट शिफ्ट करके इस वाली स्ट्रिंग को टी के बराबर कर सकते हैं क्या, इस वाली स्ट्रिंग को एस वाली स्ट्रिंग को अपने को राइट में मूव करवाना पड़ेगा, मतलब ए को राइट में मूव करवाना पड़ेगा इसको टी के इक्वल करने के लिए, और वो ये वाले कंडीशन को इनवैलिड कर देगा। ठीक है, तो अपना इधर आउटपुट हमेशा 0 आना चाहिए, तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर अपना आई जो है वो जे से छोटा आ रहा है तो अपने को हमेशा रिटर्न फॉल्स कर देना है, नहीं तो हम अपन रिटर्न ट्रू कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली बी के केस में क्या होगा, बी के केस में हमेशा आई जो है वो छोटा होना चाहिए जे से, बी के केस में क्या होगा, बी के केस में आई हमेशा छोटा होगा जे से, क्यों, जैसे अगर अपन ये वाली स्ट्रिंग लें हैश बी और जो टी है वो होगा बी हैश, तो क्या अपन एस वाली स्ट्रिंग में कभी भी बी को लेफ्ट बी को राइट शिफ्ट करके बी को इस वाली डायरेक्शन में शिफ्ट करके इस वाली मतलब टी के इक्वल कर सकते हैं क्या, अपन कभी भी इसको टी के इक्वल नहीं कर सकते, अगर अपन को इसको टी के बराबर करना है तो अपन को इसको बी को लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो अपने को हमेशा क्या करना है इस वाली कंडीशन में रिटर्न फॉल्स करना है, और इस कंडीशन में क्या आ रहा है इधर आई जो है वो 1 है और जे 0 है। ठीक है,
तो अपना अपने को क्या पता चला कि जब भी आई बड़ा है जे से बी वाली कंडीशन में, तो अपने को रिटर्न फॉल्स करना है, ठीक है। तो इधर भी अगर अपने को रिटर्न ट्रू करना है तो आई हमेशा छोटा होना चाहिए जे से। अगर आई बड़ा हुआ जे से तो अपन क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। इस वाली कंडीशन में अगर आई छोटा हुआ जे से तो अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे। और अगर आई और जे बराबर ही नहीं हुए, मतलब आईथ कैरेक्टर और जेथ कैरेक्टर बराबर ही नहीं हुआ, तो भी अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि ऑर्डर ही सेम नहीं है, ठीक है। तो अपन को इन तीनों कंडीशंस का ध्यान रखना है। अगर अपनी दोनों स्ट्रिंग में ये तीनों कंडीशंस होल्ड करिए, मतलब दोनों ही पूरी पूरी स्ट्रिंग्स में ये कंडीशन होल्ड कर रही है, तब तो अपन रिटर्न ट्रू करेंगे, नहीं तो अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे। एक बार इसका कोड देख लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने स्टार्टिंग में दो इंटीजर्स आई और जे को 0 से इनिशियलाइज किया, मतलब दोनों को अपन ने स्ट्रिंग की स्टार्टिंग पे रखा। फिर अपन ने क्या किया, अपन ने देखा कि क्या दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ सेम है। दोनों ये जो स्ट्रिंग्स हैं उनकी लेंथ सेम ही होनी चाहिए ना, अगर अपन को उन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर उन दोनों की लेंथ ही सेम नहीं है तो वो कभी भी इक्वल प्रूफ हो ही नहीं पाएंगे, तो अपन सीधा ही रिटर्न फॉल्स कर देंगे। नहीं तो अपन क्या करेंगे, अपन आई को एम तक चलाएंगे। आई जो है अपना उसको एम तक चलाएंगे, मतलब स्ट्रिंग एस की साइज तक चलाएंगे। और जो जे है उसको अपन एन तक चलाएंगे, जे को भी इस वाली स्ट्रिंग की साइज तक चलाएंगे, ठीक है। फिर अपन देखेंगे कि क्या एस मतलब एस वाली स्ट्रिंग पे कहीं पे भी हैश एनकाउंटर हो रहा है। अगर एस वाली स्ट्रिंग पे भी कहीं पे भी हैश एनकाउंटर हो रहा है तो अपन आई को प्लस प्लस कर देंगे, मतलब जहाँ पे भी हैश है उसकी दूसरी लोकेशन तक चले जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे भी हैश आ रहा है अपन हैश को इग्नोर करेंगे। सिमिलरली टी वाली स्ट्रिंग में भी अपन जहाँ पे भी हैश आ रहा है तो हैश को इग्नोर करेंगे, जे को प्लस प्लस कर देंगे। फिर अपन देखेंगे कि अगर आई जो है वो एम से बड़ा हो गया है, या फिर एम के बराबर हो गया है, मतलब आई जो है वो एंडिंग पे आ गया है, आई तो अपना एंडिंग पे आ गया है और जे अभी भी अपना इधर इधर ही अटका हुआ है, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये दोनों स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स है वो सेम नहीं है, तो अपन रिटर्न 0 कर देंगे। सिमिलरली अगर जे इधर आ गया है, इटरेट करते 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 लास्ट में आ गया है और आई अभी भी अपनी स्ट्रिंग में कहीं पे भी अटका हुआ है, ठीक है, तो अपन बोल देंगे कि इधर अपने कैरेक्टर सेम नहीं है, तो इधर भी अपन रिटर्न 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन समझ आई। उसके बाद अपन देखेंगे कि अगर ये दोनों कंडीशंस भी ट्रू नहीं है तो अपन देखेंगे कि क्या एस के आईथ कैरेक्टर और जे मतलब एस का आईथ कैरेक्टर और टी का जेथ कैरेक्टर बराबर है क्या। जैसे इधर आई इधर था और जे इधर था, तो अपन देखेंगे कि क्या ये वाला एस का आईथ कैरेक्टर ए और टी का जेथ कैरेक्टर ए, ये दोनों इक्वल हैं क्या। अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो अपनी एल्स वाली कंडीशन में जाएगा। और फिर अपन ये चेक करेंगे कि अगर एस का आईथ कैरेक्टर ए है और अगर आई जो है, मतलब ए वाली केस में क्या होना चाहिए, ए वाली केस में आई जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए जैसे, अगर आई छोटा हुआ जैसे, अगर आई जो है वो छोटा हुआ जैसे, तो अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि ए को अपन को राइट में मूव करवाना पड़ेगा टी के इक्वल करने के लिए, जो अपन नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली बी के केस में क्या होगा, हमेशा आई जो है वो छोटा होना चाहिए जैसे, अगर आई जो है वो बड़ा हो गया जैसे, तो अपन क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे, मतलब रिटर्न 0 कर देंगे, ठीक है। और फिर अपन आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस करते जाएंगे पूरी स्ट्रिंग में ट्रेड करने के लिए। अगर पूरी स्ट्रिंग में कहीं पे भी रिटर्न 0 नहीं हुआ तो अपन क्या करेंगे, लास्ट में रिटर्न 1 कर देंगे कि अपनी जो एस वाली स्ट्रिंग है वो टी वाली स्ट्रिंग के बराबर हो सकती है। एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये एकदम एक्यूरेट आंसर है। लास्ट टाइम अपन ने क्या किया था, लास्ट टाइम अपन से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि अपन ने सिर्फ ऑर्डर चेक किया था। ऑर्डर अगर अपन सिर्फ ऑर्डर चेक कर रहे हैं तो ऑर्डर चेक करने में अपनी ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं बैठेगी। अगर अपने को ये दिया हुआ होता कि अपन ए को भी किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं और बी को भी किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं, तो अपन सिर्फ ऑर्डर चेक करते और अपना उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन इधर अपने को दे रखा है कि अपने को ए को सिर्फ लेफ्ट में मूव करवाना है और बी को सिर्फ राइट में मूव करवाना है, तो इसके लिए अपने को ये पूरा ही चेक करना पड़ेगा। ऑर्डर के साथ साथ ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो बी है वो हमेशा कंपैरेटिवली पहले आना चाहिए टी वाली स्ट्रिंग से, ठीक है, मतलब एस वाली स्ट्रिंग में बी हमेशा पहले आना चाहिए टी वाली स्ट्रिंग से, ठीक है।
और एस वाली स्ट्रिंग में ए हमेशा बाद में आना चाहिए कंपैरेटिवली बी टी वाली स्ट्रिंग से। ठीक है, अपने को ये भी चेक करना पड़ेगा। अपन ने इस बार ये सब कुछ चेक किया है तो अपना इस बार कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट हैं। थैंक यू सो मच।